गुजरात के वेरावल में मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मगर कहा 16 अक्टूबर के आदेश का उल्लंघन हुआ तो दोबारा खड़े किए जाएंगे निर्माण। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको खबर बताई थी, गत 28 सितंबर को गुजरात के वेरावल में, जो अब लगभग वेरावल से लगकर प्रभास पाटन का जो इलाका है, पाटन पुराना गांव है, प्रभास पाटन कहा जाता है, और मुख्य सड़क से लगकर के यहां पर करीब में ही सोमनाथ का मंदिर है, गिर का इलाका है, तो इसे अब वहां की सरकार द्वारा अबूटिंग वाटर बॉडी वाला इलाका बताया जा रहा है, वो क्षेत्र बताया जा रहा है अबूटिंग वाटर बॉडी एरिया, तो इसी के तहत कार्रवाई की गई है, ऐसा अब सरकार का दावा है। क्योंकि हम आपको बता दें कि इस संबंध में बुलडोजर न्याय के खिलाफ जमीयतुल उलमाए हिंद की जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उस पर भारी नाराजगी जताई थी और ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाने का आदेश भी दिया था, उसके बाद फिर से असम के सोनापुर में मुसलमानों की आबादियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए गत 17 सितंबर को आदेश दिया था और इस पर रोक लगाई थी। उसी याचिका में अब वेरावल प्रभास पाटन की समस्त पटनी मुस्लिम जमात द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसे इसी याचिका में जोड़ा गया है, क्लब किया गया है। तो इस संलग्न याचिका पर सुनवाई हुई जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने। याचिकाकर्ता समस्त पटनी मुस्लिम समाज की तरफ से एडवोकेट संजय हेगड़े ने पैरवी की। संजय हेगड़े ने बताया कि हेरिटेज कहे जाने वाले और सैकड़ों वर्ष पुराने जो है नजफगढ़ रियासत जब थी, उस वक्त के बने हुए धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है, मकानों को तोड़ा गया है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल जैसे थे वैसे रखने का आदेश दे, यानी स्टेटस को का आदेश दे। इस संबंध में गुजरात सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे, तो उन्होंने संजय हेगड़े की इस जिरह पर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये सभी सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाए गए अवैध निर्माण है और इन्हें स्थानीय नगर निगम ने मनपा ने नोटिस दिए हैं, इनकी हियरिंग्स हुई है, सुनवाई की गई है, और कागजात न होने की वजह से और ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्रवाई की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को देने से इनकार किया। याचिकाकर्ता समस्त पटनी मुस्लिम समाज की तरफ से पैरवी करने वाले संजय हेगड़े की दरख्वास्त को कबूल नहीं किया, मगर दूसरी तरफ गुजरात सरकार से अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है, और हाल ही में गत 17 सितंबर को जिस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी आरोपियों और सभी अवैध निर्माणों पर बगैर कोर्ट की इजाजत के कार्रवाई न करने का जो अंतरिम आदेश दिया है, उसको जो लागू किया है, उसके तहत कहा है कि अगर सरकारी जमीनों और जैसे अबूटिंग वाटर बॉडी इलाका, इसमें अगर ये कार्रवाई नहीं हुई होगी और गुजरात सरकार ने हमारे आदेश का उल्लंघन किया होगा, तो इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट वेरावल में प्रभास पाटन में गिराए गए तमाम सभी इन धार्मिक तथा निवासी निर्माणों को दोबारा बनवाने का आदेश भी देगा। ऐसी कड़ी चेतावनी सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजेस ने दी है। बहरहाल फिलहाल अब इसमें निश्चित आगे की कब तारीख है सुनवाई की वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, जैसे ही इस संबंध में जो भी ताजा जानकारी रहेगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे।